हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। मैं रेहान और मैं हूँ साहिल। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं लव विवाह डॉट कॉम ऑफिशियल ट्रेलर। प्रदीप पांडे, चिंटू एंड अमरपाली दुबे की यह मूवी है जो 2022 में रिलीज होने वाली है। कब रिलीज होगी तो पता नहीं है, लेकिन देख लेते हैं ट्रेलर बिना टाइम वेस्ट किए। शुरू करते हैं। हियर वी गो। रत्नाकर कुमार प्रस्तुत। गॉट हो गर्लफ्रेंड रखे हो? एक को नहीं, इतना बेकार जीवन काहे जी रहा है बे? लड़कियों को छेड़ना तो दूर, अगर उनको देखियो लिए ना तो इतना जूती आएंगे, इतना जूती आएंगे कि मुंह चोंचा जैसा हो जाएगा। लखुआ कहीं का। लखुआ क्या होता है? की पढ़ाई कर रहे हैं। ये सही आइडिया कर रहा है सिंगल लोगों के लिए। 14 फरवरी करीब है। अच्छा, नाम हम एक है। जल सिंगिंग का लीडर। डॉक्टरी पढ़ने आए हो कि लिपस्टिक चाटने? तो हर नैना रंग रेज अपना रंग में रंग ले जाता। वो तुम्हें देखे या ना देखे उससे क्या फर्क पड़ता है? हम उसको देखें या ना देखें, पर अगर वो किसी और को देखेगा ना तो उसका सर नहीं फोड़ देंगे हम। अपना रूप से दंग ले जाता, अपना रूप से दंग ले जाता। तो हर नैना, तो हर नैना अपना रंग में रंग ले जाता। जान है वो मेरी। अलावे कुंटपुरम वही है ना पूरा सीन। जान है हम तुम्हारी। हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। हाँ है हम तुम्हारी जान, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले। चश्मा खत्म उतर गया। बेडरूम सीन है, निकालनी पड़ेगा चश्मा। उतारते हुए तो कई बार देखा, पहनाते हुए पहली बार देखा है। सेफ्टी मतलब खाली ये है नहीं होता, यही सब करने के लिए हमसे प्यार तो नहीं किए ना? अरे यार चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे सर से इस सेक्स का भूत हम उतारिए देंगे। ओ भाई का भाई पता ना कौन बनरी से हमर भी आता कदले बड़े भैया ओकर फोटो भेजे तारे देखे खातिर। ओ जल्दी मुझे और सौतन बने का सपना देखा तारी। अरे काजल लगवाने। नचनिया बनाओ खातिर दिन रात हम तारा पीछे लागल बनी। क्यों तोरा प्रेमी के मार डाला हम? भैया हम एकरा से बहुत प्यार करी ले, बहुत प्यार। ई कौन प्यार है कि अपना खानदान के मान सम्मान के भी परवाह नहीं करो। चलो अब जल्दी जल्दी अपन बैग पैक करो और भाग चले हमरा संगे, ना तो सच में जान देवे के पड़ जाई। ओ मेरा रब है मेरे साथ में, मेरे साथ बहुत हो गई चूहा बिल्ली के खेल। जाए बुरा भी कर नहीं सकता, दबाए पा हमारे सारा पागल बनी जे गुला परवा लड़की के लेके हम भागत फिरल बन। चलो इस चिरकुट को हम समझा देते हैं कि तेरे जैसे कॉले लौंडे को तंग नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा ट्रेलर, लेकिन स्टोरी फिर भी बड़े ट्रेलर में भी स्टोरी थोड़ा सा छुपा के रखा हुआ, कुछ चीजें छुपा के, कुछ चीजें छुपा के रखी हुई है। बाकी एक जो सीन था फाइट वाला, पूरा आला वैकुंठ पूरा में अल्लू अर्जुन की मूवी है उसका पूरा कॉपी था यार। पूरा का पूरा सीन कॉपी कर डाला। बस ये था उसमें स्टोरी में उसकी गर्लफ्रेंड उसकी बहन के लिए जाता है वो। हाँ। और यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड का दुपट्टा लेने जाता। हाँ। है बस ये एक चेंज है। और कुछ सीन्स लगे तो कह सकते हैं इनको स्टाइलिश स्टार भी कहा जाता है भोजपुरी के, तो ये कॉपी कर रहे हैं पूरी तरह से उनको, हर तरह से पूरी तरह से स्टाइलिश स्टार बना दिए इनको। क्या सीधे साधे लड़के को कैसा बना दिया है यार। बाकी स्टोरी काफ़ी दमदार भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी है। ट्रेलर बहुत बड़ा था यार, 4 मिनट का ट्रेलर।
छोटा करना चाहिए, अच्छा इंटरेस्ट मेंटेन करके रखा है ट्रेलर में। ये कुछ नई तरह की स्टोरी दिख रही है, कॉलेज की लव स्टोरी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है मैं पहली बार देख रहा हूँ भोजपुरी में कॉलेज की लव स्टोरी वाला कोई ट्रेलर। हाँ ट्रेलर तो शायद अभी देखी भी होंगी तो इतना उसको पूरा उसी लहजे में नहीं लेके गए कि बस वो लड़का लड़की भाग रहे हो पूरा। उनमें वो कॉलेज वाली स्टोरी भी दिखाते हैं, शहर टाइप वाला, शहर टाइप वाला, इसमें गांव वाला माहौल नहीं दिख रहा, कम दिखाया है। लेकिन वो दोनों बंदा लड़का लड़की अभी तक जो भी देखिए अपन ने के भाई गांव का लड़का है शहर की लड़की है, शहर की शहर का ये तो गांव का लड़का ये भी, लेकिन पूरी स्टोरी शहर में बेस्ड बनाई है, शहर में बेस्ड बनाई है। वो लड़की को लेके भागेगा, लड़की का एक्सीडेंट हो जाएगा और फिर अम्रपाली दुबे क्या क्या करती है, कैसे उनको प्यार होता है। और अम्रपाली दुबे को ज्यादा वो बताया है इसमें, वो थोड़ी सी नटखटी या इस टाइप बताया है और जिम्मेदार नहीं बताया है उन्हें। और जहाँ वहीं पर अगर बात करें हम चिंटू पांडे की, तो उनको ज़्यादा प्रदीप पांडे चिंटू की, तो वो थोड़े से जिम्मेदार हैं, समझदार बताया है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। सो ओवरऑल ठीक था, एक दो साउथ के सीन जो कॉपी थे उनको वैसे वो सीन डाल सकते हैं, इतना नहीं है क्योंकि वो सीन अच्छे भी लगते हैं। नहीं यार वो तो ऐसा एंटरटेनमेंट के लिहाज से ऐसा कोई मुक्का मारेगा तो किसी ना किसी मूवी में तो किसी ने मुक्का मारा ही है ना, कॉपी तो नहीं बोल सकते उसको। वो वाला सीन तो पूरा वो हमने एक्चुअली रिएक्शन दिया है उस पर, इसलिए हमें याद है अच्छे से। तो बाकी ठीक है, कुछ भी चीज हो एंटरटेनमेंट होना चाहिए जनता का, कॉपी भी हो तो ऐसा होना हो कि उसकी कचरे कर दे, बस ये हो जब हम मूवी में उस सीन को देखेंगे तो लगना चाहिए कि हाँ इसको रिस्पेक्ट दिए इस सीन को इन्होंने, ना कि उस सीन के कचरे करवा दिए जाए, बस ये ध्यान रखें। बाकी तो हमने चिंटू पांडे के कई ट्रेलर्स देखे, कई मूवी के ट्रेलर्स देखे, अच्छा ही किया उन्होंने काम, तो आई थिंक ये मूवी अच्छा करेगी। आपको कैसा लगा ट्रेलर कमेंट करके जरूर बताना, और क्या लगता है आपको ये मूवी की स्टोरी में क्या और चेंज हो सकते हैं, क्योंकि हमें लगा है कि स्टोरी को अभी और छुपाया गया है इसके अंदर, कुछ और हमें बाद में मालूम पड़ेगा, जो कि सिर्फ गाने गाने में निकाल दिया था ना, जो एक गाने में सीन 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 निकाल दिया उसमें, उसके बीच जो हुआ वो अगर डायलॉग्स होते तो अपनी स्टोरी समझ में आ जाती, लेकिन डायलॉग नहीं थे तो इस वजह से अपनी स्टोरी समझ में नहीं आई। पिक्चर देखने कौन जाएगा तो देखते हैं, आप बताओ अच्छा लगे तो करो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।